ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం నా పేరు కె వెంకన్న కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్ నేను ఈ రోజు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడడము జరుగుతుంది అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది ఫలితంగా ఐఐటి జై మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం దీనిని అధిగమించడానికి మరియు పదో తరగతి పరీక్షలు అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు హ్యాండ్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్న పత్రాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడను కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ నోట్స్లను నోట్స్ లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను ఇంకొకటి ఏమిటనగా ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయవలను ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు పేపర్ మీద రాయవలను అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడదు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని చదివి చేసుకోవాలని టెన్త్ చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నమస్తే अब तक अपन ने पाठ एक बरसते बादल कविता पढ़ चुके हैं उसके बाद अपन ने ईदगाह पाठ पढ़े उसके बाद मैं आपको कविता माँ मुझे आने दे समझाई आज अपन यहाँ पर अपना पहला उपवाचक शांति की राह में पढ़ेंगे बच्चों ये जो उपवाचक है इस उपवाचक में से आपको अपठित पद्यांश और गद्यांश आते हैं और उसमें पाँच मार्क के अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं जो आपको इसी में से पैराग्राफ में से दिए जाते हैं इसी के और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज अपन यहाँ पर ये उपवाचक पढ़ेंगे और उसके कुछ पैराग्राफ्स में आपको अपठित गद्यांश जो है वो बताऊंगी और उनमें के कैसे प्रश्न होते हैं ये बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि किस तरह से उपवाचक में से प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप देख सकेंगे और समझ सकेंगे उसके लिए पहले आपको ये उपवाचक समझना ज़रूरी है ठीक है तो अपन शांति की राह में यह उपवाचक पढ़ेंगे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको शांति का मतलब क्या समझ में आता है शांति का मतलब जैसे कि बताया गया है कि चुप रहना यानी शांति नहीं होता चुप रहना का मतलब हम सिर्फ खामोश हैं नहीं शांति मीन्स हमारे भीतर में हमारे मन के अंदर में एक हलचल नहीं होके हम शांति से सुकून से अगर कुछ कार्य कर सकते हैं कुछ फैसले कर सकते हैं उसको हम कहते हैं शांति ये नहीं कि हम चुप बैठे हैं लेकिन हमारा मन विचलित है और हम किसी चिंता में ग्रस्त है या कुछ सोचते रह रहे हैं और परेशान है उसको शांति नहीं कही जाती शांति यानी हमारे मन के अंदर भी सुकून और एक शांति होती है उसको हम यहाँ पर शांति कहते हैं तो यहाँ पर वही नेल्सन मंडेला जी है जो बता रहे हैं कि शांति क्या होती है इस पार्ट में वही बताया गया है मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला इन दोनों के बारे में यह उपवाचक है और एग्जाम में ये उसमें से उपवाचक में से, से प्रश्न उत्तर आते हैं जो आपको फर्स्ट बीट आती है अपठित गद्यांश वद्यांश जो आते हैं फोर आते हैं तो दो कपोयम के होते हैं और दो उपवाचक में से दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये पहले मैं आपको ये शांति के राह में उपवाचक समझाती हूँ पढ़ के बता के एक्सप्लेन करूँगी आप वो ध्यान से सुनिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप सारे जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं अब जैसे कि ये उपवाचक है शांति की राह में यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है लेकिन शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है शांति अब जैसे कि मैं आपको बताई ना खामोश रहना यानी शांति नहीं होता कि हमारे पास दुनिया की सारी सुख सुविधा हो हर चीज़ हो और हर सुविधाएं उपलब्ध हो लेकिन हमारे पास में शांति नहीं है तो वो सब सुख सुविधाएं हमारे कुछ काम की है क्या चाहे हमारे पास ए सी हो कूलर हो पंखे हो खाने पीने को सब कुछ हो लेकिन हम वो खा नहीं सक रहे हमारे मन में बेचैनी है तो वो चीज़ हमारे कुछ काम की नहीं होती सुख सुविधाएं हमारे कुछ काम की नहीं होती जब तक हमारे मन में शांति ना हो तो ये वही बताया जा रहा है कि सुख साधन व्यर्थ है संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं और जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन हो या हमारे को ऐसा लगे कि हमने जो कार्य किए वो अच्छा है और अपने कार्य से हमें सुख मिलता हो तो ही उसको हम क्या कहते हैं हमारे कार्य करने का उद्देश्य भी क्या होता है शांति ही होता है कि हमारे मन में हमको अच्छा लगना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हम खुश रहेंगे सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहे वास्तविक में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है अब यहाँ पर शांति की परिभाषा क्या दे रहे हैं कि हम अगर चुप रहेंगे मुँह से कुछ भी नहीं बोलेंगे और चुप रहेंगे तो वो शांति है क्या नहीं क्या है कि वास्तविक मन को नियंत्रित रख के हमारा मन जो होता है वो बहुत चंचल होता है ये तो आप सभी जानते हैं कि हम एक मिनट में यहाँ से बैठे बैठे कहीं भी पहुँच सकते कहीं भी चल जाते हमारा मन हर समय कहीं ना कहीं च चंचल रहता है इतना चंचल कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहता है और कुछ ना कुछ बात हमारे मन में आती ही रहती है तो सबसे पहले शांति क्या है कि हमको हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसको गलत रास्ते पर या गलत बातों पर जाने से उसको रोकना चाहिए तो उसको ही हम शांति यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं और हमारे मन को नियंत्रित नहीं रखते कि जैसा हमारा मन भाग रहा है हम मन के साथ भागते रहते हैं और अपना मन नियंत्रित नहीं रखते तो उसका कोई फ़ायदा होगा क्या हमें शांति मिलेंगी क्या नहीं हम तो भटकते रहेंगे ना क्योंकि हमको तो एक शांति चाहिए लेकिन वो तो भागते ही रहते हैं हम भागते रहते तो उसको हम शांति नहीं कहेंगे तो हमको बुराई के रास्ते पे नहीं चलना है और अपने मन को नियंत्रित रखना है वही क्या है वास्तविक शांति है इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ शांति है वहाँ सुख है जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है जहाँ स्वर्ग है वहीं दुनिया का श्रेष्ठ साधन है युद्ध दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर ही सुख होता है और सुख जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है स्वर्ग स्वर्ग यानी जहाँ हम शांति से और अपने मन को नियंत्रित करके रह सकते हैं उसको हम स्वर्ग कहते हैं और वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान और हम स्वर्ग को क्या कहते हैं हम हमको कोई जगह अच्छी लगती है तो हम कहते हैं ना अरे वाह ये तो स्वर्ग के जैसी है तो स्वर्ग के जैसी क्या होता है कि जो हमें श्रेष्ठ स्थान या अच्छी जगह या कोई अच्छी ऐसी स्थान जहाँ हमको सुख शांति मिलती हो और हमारा मन प्रफुल्लित होता हो ऐसी जगह को ही हम स्वर्ग कहते हैं तो श्रेष्ठ स्थानें युद्ध दुख लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग कि हमारे झगड़ा लड़ाई दुख और लालच जो भी हमारे मन में होती है उन सबको मिटाने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है शांति होता है वो किस तरह से होता है हमारे मन में यदि कोई लालच आ रही है या हमारा मन दुखी है या हमारे मन में कुछ युद्ध चल रहा है मीन्स हमारे मन में कुछ आ, उ, कुछ विचार चल रहे हैं जो हम तय नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं उसके लिए इन सबको हटाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या बताया है शांति रहना चाहिए जिससे हम हमारे मन को नियंत्रित कर लें और हम अच्छाई के रास्ते पर चले हमारे मन में बुरे विचार ना आए और हम कोई गलत काम ना करें और हमारा मन नियंत्रित रहे तो हमें क्या मिलेंगी शांति मिलेंगी धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हम पैसों से क्या कर सकते हैं धन दौलत से हम सब कुछ खरीद सकते हैं भौतिक संपदा यानी कार टीवी, फ्रिज कूलर एसी, पंखे जो भी हमको अच्छी अच्छी खाने की चीज़ जो भी भौतिक संपदाएँ हैं वो हम क्या कर सकते हैं पैसों से खरीद सकते हैं लेकिन हम शांति कभी भी नहीं खरीद सकते क्या शांति कहीं बाज़ार में मिलती है जो हम खरीद के ला सकेंगे नहीं तो धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति से नहीं किंतु शांति नहीं यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही है कि वो उनके पास कई देश ऐसे हैं जिनके पास बे बे दौलत है लेकिन उनके पास में शांति नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम दौलत से शांति तो नहीं खरीद सकते और वो दुनिया भर के धनी देश जो है वो क्या कर रहे हैं सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं इन प्रयासों में कहीं युद्ध और कहीं चर्चाएँ हो रही है और अब ये शांति बनाने के रखने के लिए देशों में क्या हो रहे हैं कहीं युद्ध हो रहे हैं कहीं बातचीतें हो रही है चर्चाएँ हो रही है वास्तव में युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती और क्या कहा जा रहा है कि युद्ध से कभी शांति स्थापित हो सकती है क्या हम लड़ाई झगड़ा करके कोई फैसला कर सकते हैं क्या नहीं शांति तो आराम से बैठकर एक दूसरे की तकलीफ़ों को सुनकर और उनको दूर करने के प्रयास करने से ही हम शांति पा सकते हैं लड़ाई झगड़ा करके कभी कोई शांति नहीं पा सकता सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है अब जब क्या होगा कि सब जो देश है आपस में जो लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को सहयोग करने लगेंगे और एक दूसरे की मदद करने लगेंगे तो अपने आप देश में क्या होंगी शांति स्थापित हो जाएंगी इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और जो ये क्या है हमारे देशों में युद्ध हो रहे थे आपस में और देश में शांति नहीं थी इसी के उद्देश्य से हम चौबीस अक्टूबर 1945 फोर्टी फाइव अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को हमारे देश में क्या हुआ विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई इसका मूल उद्देश्य क्या था विश्व के सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना था अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ कि पांच बड़े बड़े राज्यों को आ, देशों को लिया गया और ये देश ही सारे विश्व पर अपना कंट्रोल करते थे और जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको जल्दी से जल्दी तय करके विश्व में शांति बनाए रखने का उद्देश्य ही इन संयुक्त राष्ट्र के देशों का था और उन्होंने ये इसका मूल उद्देश्य यही था कि हमारे विश्व में शांति स्थापित हो न कि लड़ाई झगड़े हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हमारे देश में की गई थी स्टूडेंट्स माई सेल्फ सुनील कुमार बादल आई सो Right now, I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question: Suppose you want to be a cricketer, who would you choose your coach—a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way, here we are the group of IITNs, NITians, and doctors. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT, or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? शांति के इन प्रयासों में ही शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है अब जैसे कि देश में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमारे देश में बहुत से लोग कार्य करते हैं जो अपना सारा जीवन जिस देश के लिए ही लगा देते जिसमें अपने अपने खुद के देश के लिए या देश की विश्व के किसी भी देश में जहाँ अशांति है वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए वे अपना जीवन पूरा लगा देते हैं तो ऐसे जो उत्कृष्ट कार्य ये उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा कार्य है ऐसा कार्य करने के लिए क्या होता है हर साल एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको हम कहते हैं नोबेल पुरस्कार शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान व्यक्ति हुए हैं और ऐसे शांति की स्थापना करने वाले कई महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इस शांति की स्थापना के लिए ही लगा दिया यहाँ उन्हीं में से दो महान शांति दूतों के बारे में दिया जा रहा है अब जो ये अपना उपवाचक शांति ग्राम है ऐसे ही शांति की स्थापना करने के लिए ऐसे जो दो महान व्यक्ति हैं उन उनका नाम उनको हम कैसे संबोधित करते हैं शांति दूत शांति दूतों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है जिन्होंने अपना सारा जीवन शांति के सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया जिन्होंने क्या किए अपना सारा जीवन शांति स्थापित करने के लिए और शांति के सेवा के मार्ग में, यानी कि लोगों की सेवा किए और दुनिया में जहाँ भी तकलीफ़ें हैं बुराइयाँ हैं उनको शांति की स्थापित करने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने इसी मार्ग में समर्पित कर दिया मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम अब जो हमारे अब हम यहाँ पे उपवाचक में किन के बारे में पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला के बारे में कर रहे हैं पढ़ रहे हैं मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोली मंडेला था अब ये जो है ये शांति दूत के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है उनका नाम क्या है नेल्सन रोली हलहला मंडेला उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उनका जन्म क्या हुआ दक्षिण अफ्रीका में 18 जुलाई 1918, सौ जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे अश्वेत मीन्स काले रंग के श्वेत मीन्स गोरे अब वो जो क्या थे दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका में रंग भेद की नीति बहुत थी गोरे और कालों का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था कि गोरे जो थे वो अपने आप को अच्छे समझ के काले लोगों को जो काले अफ्रीकन हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे उनको गुलाम बना के रखते थे और उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे तो इसी के लिए जो ये नेल्सन मंडेला है इन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिए और पूरा अपना जीवन समर्पित करके ये रंग भेद और ये पहले राष्ट्रपति बने जो अफ्रीका में काले थे नहीं तो वहाँ पर ये सब अधिकार उनको नहीं दिया जाता था और उन्होंने अपना पूरा जीवन ये रंग भेद ये काले गोरे का जो झगड़ा था अफ्रीका में श्वेत अश्वेत का इस झगड़े को निपटाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और ओमखोतों के ओम खोतोवे सिजवे गुट के अध्यक्ष रहे अब जो ये नेल्सन मंडेला जी थे ये जो राष्ट्रपति बनने के पहले जो ये रंग भेद का युद्ध था उसको विरोध करने वाले अफ्रीकी विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो एक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का एक जो संघ था और ओम खोतो के सिजवे गुट के अध्यक्ष थे ये नेल्सन मंडेला रंग भेद मिटाने के लिए इसके अध्यक्ष थे यही रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने सत्ताईस वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताया कारागार मीन्स जेल अब इन्होंने क्या किए रंग भेद का विरोध किए उसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए रंग भेद के लड़ाई के लिए संघर्ष किए और उसका विरोध किए उसके लिए उन्होंने कितने वर्ष जेल में या कारावास में बिताए सत्ताविस वर्ष तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और ये युद्ध कितना लंबा चला होगा कि उनको 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताना पड़ा कि जिसके लिए वो रंग भेद मिटाना चाहते थे और उसके लिए वो लड़ रहे थे कि जितना हक गोरों को है उतना काले अफ्रीकन्स को भी मिलना चाहिए इसके लिए वो युद्ध करें और उसके लिए उनको सत्ताईस वर्ष तक रॉबिन द्वीप में जेल में कारागार में बिताना पड़ा उन्होंने कोयला खनिक का काम करना पड़ा और उन्होंने क्या करे कि जेल में होने पर उन लोगों को कुछ काम दिया जाता है तो इनको क्या काम था कोयले की खान होती है ना वहाँ से कोयला निकालने का सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया अब उनका जो ये इतने साल की जो कारावास में बिताई या इतने साल का जो युद्ध या इतने साल की उनकी जो मेहनत थी वो असफल नहीं हुई क्या हुआ 1990 वन सन उन्नीस सौ नब्बे में श्वेत सरकार ने मीन्स अब ये श्वेत मीन्स गोरे गोरे अफ्रीकन्सों ने एक समझौता किया और उस समझौते से उन्होंने नए एक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया तो उनकी मेहनत यहाँ पर सफल हो गई वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के लिए प्रतीक बन गए अब उनके इस कार्य से क्या हुआ कि रंग भेद का विरोध करने के लिए और अफ्रीका में जो रंग भेद चल रहा था उसको मिटाने के वो एक प्रतीक प्रतीक मीन्स एक सिम्बॉल मीन्स वो ही एक उसके जैसे अपन बोलते ना कुछ ट्रेडमार्क होता है या किसी चीज़ का कोई प्रतीक होते हैं तो ये नेल्सन मंडेला को जब भी हम देखेंगे या सोचते हैं या उनके बारे में बात होती है तो उनका प्रतीक क्या है कि रंग भेद मिटाना उन्होंने गोरे और काले अफ्रीकन्स के बीच में जो युद्ध था जो बरसों से चला आ रहा था आप देखे हो कि वो सत्ताईस साल तक इस युद्ध इस युद्ध के लिए जेल में भी रहना पड़ा उनको तो उन्होंने जेल में भी रहे तो इसका मतलब उन्होंने इसके इसीलिए वो उसके प्रतीक बन गए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया अब क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा जीवन कारावास में बिता दिया उसके लिए और उन्होंने रंग भेद के लिए युद्ध किए तो उनका ये इतना महान बलिदान है या जो भी उनका युद्ध है या उनका संघर्ष है इसको एक अच्छा रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया कि उनका जो जन्मदिन है उसको किस तरह मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं अब जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं जैसे कि हम हमारे गांधी जी है जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई हमारा राज जो भारत देश है वो 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और उससे हमको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे महात्मा गांधी बापू जी ने क्या करे युद्ध किए युद्ध यानी उन्होंने शांति से ही लड़ाई की उनका क्या था अहिंसा परमोधर्म हिंसा नहीं था अहिंसा था उन्होंने अहिंसा से ही हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिए पर उन्होंने कभी हिंसा नहीं किए तो आज हम उनको और भी क्या बोलते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता बोलते हैं है ना क्योंकि उन्होंने भी हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई कितना लंबा युद्ध 200 साल तक वो युद्ध चला था वैसे ही अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी है जो इन्होंने भी अपना जीवन पूरा इसी में लगा दिया रंग भेद के लिए इसलिए वहाँ के लोगों ने भी इन्हें राष्ट्रपिता मानने लगी जैसे कि हम हमारे बापू जी को मानते गांधी जी को ये भी वहाँ के राष्ट्रपिता माने जाते हैं उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उत्तराधक उत्तराधकारता के रूप में देखा जाता है अब यहाँ पे संस्थापक मीन्स वो बनाने वाले उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता मीन्स उन्होंने जो आ, काले अफ्रीकन्स थे उन लोग उन लोगों को गुलामों की तरह रखा जाता था उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे सारे अधिकार और सारे हक किसके थे जो गोरे अफ्रीकन्स थे तो उनका उद्धार किए जो काले थे जो काले गुलाम थे या अश्वेत अफ्रीकन्स थे उनका उद्धार करने वाले इसलिए उनको क्या कहा जाता है प्रथम संस्थापक संस्थापक मीन्स बनाने वाले और उद्धारकर्ता मीन्स उनका अच्छा कार्य करे उद्धार कर दिए इसलिए उनको उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है दक्षिण अफ्रीका में प्राय उन्हें मदीबा कह कर बुलाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में उनको क्या कहते हैं जैसे कि हम हमारे पास में गांधी जी को कैसे बापू जी के रूप में बुलाते हैं ना उनको राष्ट्रपिता कहते हैं और हम लोग उनको बापू जी तो वैसे वहाँ पर उनको मदीबा अब मदीबा का क्या होता है यहाँ यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है जैसे कि हम मैं कह रही हूँ ना बापू जी कहते हैं वैसे मदिबा यह है वहाँ के लोगों जो बुजुर्ग होते हैं बड़े होते हैं उनके लिए यह सम्मान सूचक है उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है अब नेल्सन मंडेला जी को 250 फिफ्टी से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है सन उन्नीस सौ तिरानवे में नोबल शांति पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए है अब उनको शांति पुरस्कार मिला है भारत रत्न भी मिला है और उसके अलावा 2008 में गांधी शांति पुरस्कार भी उनको दिया गया है उनका स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 को हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई 5 दिसंबर 2013 को ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है अब इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुई और ऐसे शांति दूत के विश्व निधन होने पर पूरे देश में दुख का वातावरण छा गया और सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके क्या कह रहे हैं कि हमारे हमें उन्होंने शांति की राह में चलने का उद्देश्य दिया है और उनके जीवन से हमको यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो कि उन्होंने अपना सारा जीवन एक रंग भेद को कि जो अश्वेत अफ्रीकन्स थे उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कितना कष्ट उठाए उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की जिससे उन्हें कितना सम्मान प्राप्त हुआ कितने पुरस्कार प्राप्त हुए और जो वो कार्य करना चाहते थे उस कार्य में भी सफल हुए और लोगों के लिए भी एक रास्ता बताए और हमारे लिए भी एक आदर्श हुए तो उनको हम शांति दूत के रूप में जानते हैं और ये पाठ में भी ये उपवाचक में भी यही बता रहा जा बताया जा रहा है कि शांति के लिए क्या करना है तो इस तरह उन्होंने अपना सारा जीवन नेल्सन मंडेला ने शांति के लिए अर्पित कर दिए अब बच्चों इसमें से आपको उपवाचक उपवाचक में से जो पैराग्राफ आते हैं ऐसे में नेल्सन मंडेला के जो है वो उपवाचक बताऊँगी उपवाचक में के पद बताऊँगी गद्यांश जिसमें कैसे प्रश्न उत्तर आते हैं मैं आपको बताऊँगी